हेलो स्टूडेंट्स, आज हिंदी रीडर में हम पढ़ेंगे आ की मात्रा, है ना। आ की मात्रा पार्ट दो। आ की मात्रा है ना, बड़े आ की मात्रा, जैसे आ से आम होता है वैसे ही आ की मात्रा होती है। तो चलिए इसे हम ब्लैक बोर्ड में समझते हैं। ओके, देखते हैं ब्लैक बोर्ड में आ की मात्रा है ना। तो सबसे पहले ये है व्यंजन वर्ण ब धन आ की मात्रा धन ला। पूरे को हम पढ़ेंगे बाल। पूरे को हम क्या पढ़ेंगे? बाल। ब धन आ की मात्रा धन ज धन आ की मात्रा, है ना। तो ये है बाजा। ये दोनों आ की मात्रा है, इसमें एक में लगा है और इसमें दोनों व्यंजन वर्ण में लगा है, है ना। तो बाजा क्या होगा? बाजा। ब धन आ की मात्रा धन ला धन का, है ना। तो ये आ की मात्रा किसमें लगा हुआ है? बा में लगा हुआ है। तो बालक बालक, हम तीनों को क्या पढ़ेंगे? बालक। ग धन आ की मात्रा धन ज धन र, तो ये ग में लगा हुआ है आ की मात्रा, तो गा ज र गाजर। क धन आ की मात्रा धन न, तो ये का में लगा हुआ है आ की मात्रा, तो हो जाएगा का न। इसका जो उच्चारण है वो बदल जाता है, जैसे मात्रा लगता है तो उसका लंबा हो जाता है, तो क्या बोलेंगे इसको? कान। र धन आ की मात्रा धन ज धन आ की मात्रा, धन मतलब होता है जोड़ना, है ना। तो इसको हम जोड़ देंगे, सब अक्षर को मात्रा के साथ जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा राजा। क्या हो जाएगा? राजा। त धन आ की मात्रा धन र धन आ की मात्रा, तो दोनों मिलके क्या होगा? तारा। क्या होगा? तारा। एक बार और पढ़ लेते हैं ठीक है। बाल बाजा बालक गाजर कान राजा तारा। ये तो है मात्रा को जोड़ने के लिए बता दी। अब हम डायरेक्ट शब्द पढ़ेंगे, आ की मात्रा वाले शब्द, ठीक है। आ की मात्रा वाले शब्द देखते हैं। अब देखते हैं आ की मात्रा वाले शब्द, है ना। इसको अब हम पढ़ना सीखेंगे, कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये है प धन आ की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा? पा। पा में लगा है मात्रा, है ना। ला और क में नहीं लगा है, तो ये ल क, तो क्या हो जाएगा? पालक। हम तीनों को क्या पढ़ेंगे? पालक। अ ना र, क्योंकि ना लंबा क्यों होगा? क्योंकि इसमें आ की मात्रा लगा हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे अनार। इसको क्या बोलेंगे? अनार, क्योंकि आ में नहीं लगा हुआ है, तो अ ना में लगा हुआ है, तो इसका इसको लंबा बोलेंगे हम ना र अनार। ह हा में आ की मात्रा हाथ हाथ, इसको क्या पढ़ेंगे हम? हाथ। त आ की मात्रा ता, र में आ की मात्रा रा तारा, इसको हम क्या पढ़ेंगे? तारा। तो जिसमें मात्रा लगा रहता है उसका जो स्वर है वो लंबा हो जाता है ना, तो तारा। बा द ल बादल, बा द ल बादल। पाठ, श आ की मात्रा ल आ की मात्रा, तो पाठशाला, इसको क्या पढ़ेंगे पूरे? पाठशाला। छ में आ की मात्रा छा, ता में आ की मात्रा ता छाता। चावल, चावल, क्यों? जहां पे ये मात्रा लगेगा उसको हम लंबा बोलेंगे, है ना, तो चावल। टमाटर आज, आज। एक बार फिर से देख लेते हैं, पालक अनार हाथ तारा बादल पाठशाला छाता चावल टमाटर आज। तो ये है आ की मात्रा वाले शब्द, है ना। जहाँ पे ये दिखेगा, एक लकीर दिखेगा, वहां पे मात्रा लगा है, यहाँ पे नहीं लगा है, देख लीजिए यहाँ पे कोई मात्रा लगा हुआ है नहीं लगा है, तो ये ल क पा में लगा हुआ है, तो पा को हम लंबा बोलेंगे पा ल क पालक, है ना। तो ये आ की मात्रा है। ये मात्रा को आप ध्यान रखेंगे कि कौन से अक्षर में या वर्ण में मात्रा लगा है तो उसका उच्चारण बदल जाता है, है ना। ऐसे ही हम शब्द पढ़ना सीखेंगे, तो इसको बोलेंगे मात्रा वाले शब्द है ये, आ की मात्रा वाले शब्द। तो इसको आप अच्छे से पढ़ोगे और अपना नोटबुक में लिखोगे। ओके, थैंक यू।